मिस्टर इंडिया से लेके मिस्टर वर्ल्ड तक सभी बॉडी बिल्डिंग के रिकॉर्ड इनके नाम पर हैं। टॉप फिटनेस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसिडर के साथ भारत के टॉप फिटनेस मॉडल में से एक, साथ में 10 से ज्यादा जिम के ओनर और भारत को मिस्टर वर्ल्ड में गोल्ड मेडल दिलाने वाले संग्राम चौगुले का इंजीनियरिंग से लेके बॉडी बिल्डिंग तक का सफर देखने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करें। संग्राम का जन्म 28 दिसंबर को कोल्हापुर के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके माता पिताजी एक शिक्षक और उनके दादाजी एक पहलवान थे, इसलिए उन्हें अपने दादाजी की तरह एक पहलवान बनना था। पर उन्हें खुद को भी नहीं पता था कि वो एक दिन बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। मगर दोस्तों, जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। स्कूल, ग्राउंड और रेसलिंग, इन तीनों में उनका बचपन निकल गया। अपनी 10वीं की पढ़ाई के बाद उन्होंने पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि उनके मार्क भी अच्छे थे और घर वाले भी चाहते थे कि कुछ पढ़ लिख कर बन जाए। अपने कॉलेज के बाद फ्री टाइम में क्या करें, इसलिए दोस्तों के साथ साथ वहाँ के एक लोकल जिम में एडमिशन लिया, क्योंकि बचपन से उन्होंने भागदौड़ की थी और रेसलिंग का भी उन्हें शौक था। जिस दोस्तों के साथ जिम ज्वाइन की थी उनके मुकाबले संग्राम की बॉडी बहुत फिट लगने लगी, उनके मसल जल्दी से डेवलप होने लगे। जहाँ जिम में सालों लग जाते हैं अपनी बॉडी फिट करने में, मगर संग्राम ने कुछ ही दिनों में अपनी बॉडी फिट कर ली। संग्राम की बॉडी के बदलाव देख के उनके जिम के कोच भी हैरान हो गए। जिम ज्वाइन किए कुछ दिन ही बाद इतना बदलाव उन्होंने किसी और में नहीं देखा, वो भी बिना कोई स्पेशल ट्रेनिंग या बिना डाइट के। उनके कोच को पता चल गया कि संग्राम की बॉडी में कुछ तो जादू है। उन्होंने सोचा कि ये लड़का बिना ट्रेनिंग या स्पेशल डाइट की इतनी अच्छी बॉडी बना सकता है तो ट्रेनिंग के साथ क्या नहीं कर सकता। फिर कोच ने संग्राम की ओर ज्यादा ध्यान दिया और उनको कंपटीशन खेलने की सलाह दी। सिर्फ कुछ दिनों की ट्रेनिंग के साथ उन्होंने 2001 में एक प्रतियोगिता खेली जिसमें उनको 5वां स्थान मिला। इस प्रतियोगिता से उनमें बॉडी बिल्डिंग की उम्मीद जाग उठी। 4 साल तक कुछ ऐसा ही चलता रहा। उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी हुई मगर उनको अब जॉब नहीं करना था। तब उन्होंने अपनी ओर देखा और उनको अपना टैलेंट पता चला जो बचपन से लेकर आज तक करते आए हैं। उनकी बॉडी की डेवलपमेंट और अपनी जेनेटिक बॉडी उनको समझ में आई तो फिर उन्होंने बॉडी बिल्डर बनने की ठान ली। 2005 में उनको खान अंकल, ये असली गुरु मिले। वो उनके पहले और आखिरी गुरु बने। वो संग्राम की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसके बाद उनकी प्रॉपर डाइट होने लगी, सही ट्रेनिंग चालू हो गई, जिम का पूरा टाइम टेबल होने लगा और आराम भी सही तरीके से होने लगा। उनकी बॉडी ने भी बहुत उन्हें सपोर्ट दिया। अब वो प्रो बॉडी बिल्डर बन गए। 1 साल की ट्रेनिंग के साथ 2006 के पुणे में ग्रेट मराठाश्री ये खिताब उन्होंने जीत लिया। उस जीत के बाद हर तरफ संग्राम का नाम होने लगा, रातों रात उनका नाम रोशन हुआ। ये सब देखकर घर वाले भी बहुत खुश हुए। घर वालों से सपोर्ट मिलने के बाद संग्राम फिर और जोश में आ गए। अब रुकने का नाम नहीं था। इसके चलते उन्होंने 2008 में पुणे श्री ये खिताब जीत लिया। फिर उन्होंने सोचा कि अब रुकना मना है। नए मशीन और जिम के नए सामान के साथ उन्होंने अपना मिस्टर इंडिया का लक्ष्य बना लिया। उनको ये खिताब जीतना ही था। दोस्तों, जिंदगी भी उसे ही साथ देती है जो जीतने का हौसला रखता है। इसी तरह 2010 में उन्होंने मिस्टर इंडिया ये खिताब भी अपने नाम कर लिया। ये खिताब जीतने के बाद मानो किस्मत बदल गई। भारत के टॉप बॉडी बिल्डर में उनका नाम दर्ज हुआ। मीडिया में सिर्फ संग्राम का नाम आने लगा। कल तक संग्राम ये सिर्फ नाम एक गांव में जाना जाता था, पर आज पूरा भारत इस नाम को पहचानने लगा। संग्राम फिटनेस मॉडल बन गया। सारे फिटनेस ब्रांड उनके पास आने लगे। हर कंपनी स्पॉन्सरशिप देने लगी मगर उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो उनके फैंस को धोखा नहीं देना चाहते। फिर वो कई कंपनियों के ब्रांड एम्बेसिडर बने। वो उनके ब्रांड प्रमोट करने लगे। खुद प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो अपना रिव्यू देने लगे। इसके बदले में वो कंपनी से अपनी फीस लिया करते। इस तरह उनके पास पैसे भी आने लगे। फिर उनका लक्ष्य बन गया मिस्टर यूनिवर्स। इस खिताब को पाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली, अपना वजन हद से ज्यादा कम किया, खुद की जान खतरे में डाली, मानो अपनी बॉडी से खिलवाड़ कर रहे हो। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। 2012 में मिस्टर यूनिवर्स ये खिताब भी अपने नाम कर लिया। संग्राम ने अपना नाम रोशन किया मगर साथ में पूरे देश का नाम रोशन किया। पूरे देश को उन पर नाज था। लगभग सारे रिकॉर्ड जीत लिए
पर सिर्फ एक खिताब बाकी था, वो था मिस्टर वर्ल्ड। अब संग्राम इसकी तैयारी करने लगे। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी तरह एक शो के दौरान उनके पैर का मसल डैमेज हो गया, जिसके चलते वो एक साल तक वापस जिम नहीं गए। डॉक्टर ने भी सिर्फ आराम करने की सलाह दी, मगर उनको अपने लक्ष्य को पाना ही था। एक साल के बाद फिर वो चल पड़े अपने लक्ष्य को पाने। इस बार उनका लक्ष्य आसान नहीं था, पूरे विश्व के बेहतर बॉडी बिल्डर को हराना था। पर संग्राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी ट्रेनिंग चालू की। उनको पता था कि अगर अभी कमबैक नहीं किया तो पूरी दुनिया भूल जाएगी, इसलिए अपनी पूरी जान लगा दी 2014 के मिस्टर वर्ल्ड के लिए। और आखिरकार वो मिस्टर वर्ल्ड के लिए सिलेक्ट हो गए और वो फाइनल में भी पहुंच गए। मगर वहां पर उनका सामना बहुत मुश्किल था, पर संग्राम को तो सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिख रहा था। उन्होंने अपने बॉडी का बेस्ट परफॉर्मेंस किया और आखिर में भारत का तिरंगा स्टेज पे आया और संग्राम जीत गया। इसलिए पूरे भारत को संग्राम पर गर्व है। संग्राम चौगुलियों को हमारा सलाम। जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल के आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।